निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान गुज़श्ता रात से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। हमारे नुमाइंदे सजाद हैदर इस वक्त अस्पताल के डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर गुलजार के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सजाद बताइएगा, डॉक्टर साहब का क्या बताना है उनकी नासाज़िए तबीयत के हवाले से। हम इस टाइम यहाँ पर निजी अस्पताल RMI के अंदर मौजूद है। गुज़िश्ता रात जो है निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की तबीयत नासाज होने पर उनको अस्पताल में जो है दाखिल किया गया था, जिसके बाद जो है आज सुबह इंतकाल इनका हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन RMI मौजूद हैं, डॉक्टर गुलजार, उनसे हम जानना चाहेंगे इस वाक़े के हवाले से। क्या कहेंगे सर, क्या दाखिल किया गया था रात को, क्या इलाज किया गया? जी, आज़म खान साहब को कल रात को लाया गया RMI तकरीबन 10:08 पर। उनको 4 दिन से वॉमिटिंग की और उनको पेट का मसला था, तकलीफ़ थी, डायरिया वगैरह, तो उनको एडमिट किया गया। उनका CT स्कैन, एब्डोमन और बाकी टेस्ट वगैरह किए गए, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड इनगॉइनल हर्निया डायग्नोज हुआ था। तो रात को वो स्टेबल रहे, स्टेबलाइज किया गया उनको। अनफॉर्चुनेटली सुबह 9 बजे के करीब वो कोलैप्स किए हैं, और उसके बाद उनका तकरीबन 1.5 घंटा CPR किया गया ICU में हमारे, बट ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड हिज डेथ वाज डिक्लेयर्ड एट 10:30 इन द मॉर्निंग। सर, डेथ होने की कोई खास वजह, कार्डिक अरेस्ट वगैरह? मोस्ट प्रोबेबली कोई सीरियस कार्डिक इवेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हुए हैं, और CPR किया गया है बट ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन RMI मौजूद थे, और इनका यही कहना था कि वज़ीर आला को जो है कल रात को जो यहाँ पर एडमिट किया था, उनकी तबीयत जो है नासाज थी, रात को उनको स्टेबल किया गया, जबकि आज सुबह उनको 9 बजे के करीब जो है कार्डिक अरेस्ट हुआ, दिल के मुबला थे, जिसके बाद जो है वो इंतकाल कर गए। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।